यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, यह है क्विक रिवीजन सेशन। इस वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे किसी भी पाठ को या किसी भी टॉपिक को मात्र 2 या 3 मिनट में याद कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियोस लोड की गई हैं और कई अपलोड की जाएंगी, इसलिए पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट का यदि आपने अभी तक कम तैयारी किया है तो इन वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज हम इस वीडियो में आपको लवण को जो है कैसे याद रखा जाए। यदि हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से लवण है अम्लीय, क्षारीय, अद्विक, संकर, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, मैं आप सबको पहले बता दूं कि लवणों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 6 प्रकार से किया गया है। पहला लवण सामान्य लवण होता है, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण, तीसरा चौथा मिश्रित लवण, पांचवा द्विक लवण और छठवा संकर लवण। इनको पहचाने कैसे, सवाल यही है और आता भी यही है। देखो, सामान्य लवण को पहचानने का तरीका, एच प्लस के अतिरिक्त धनायन होगा और ओ एच माइनस के अतिरिक्त ऋणायन होगा। अभी उदाहरण भी दिखाएंगे, आप मिस मत करिए, पूरा देखिए। एच प्लस के अतिरिक्त धनायन होगा और ओ एच माइनस के अतिरिक्त ऋणायन होगा तो वो सामान्य लवण होगा। याद रहे कितनी छोटी सी बात। अम्लीय लवण नाम से ही पहचान में आ रहा है, एच प्लस जरूर उपस्थित होगा, एच प्लस आयन। क्षारीय लवण मतलब ओ एच माइनस भी उसमें, ओ एच दिखेगा ही दिखेगा अगर क्षारीय लवण है तो ये दोनों तो बड़े सिंपल हैं। मिश्रित लवण कैसे पहचाने कि वो मिश्रित लवण है? तो देखिए, दो भिन्न भिन्न धनायन अगर आपको दिख जाएं या दो भिन्न भिन्न ऋणायन दिख जाएं तो समझ लेना वो मिश्रित लवण है। मतलब अगर हम उसको आयनित करें तो दो अलग अलग धनायन या फिर दो अलग अलग ऋणायन दिख जाएं तो वो आपका क्या होगा, मिश्रित लवण। द्विक लवण को कैसे पहचाने? उसमें दो सामान्य लवण आपको दिख जाए तो समझ लेना द्विक लवण। देखो, सामान्य लवण कैसे पहचानने पहले से पता है, तो दो सामान्य लवण से द्विक लवण। और संकर लवण या फिर इसी को जटिल लवण कहते हैं, ये डिब्बा दिख जाए तो आंख मूंद कर बताओ संकर लवण या फिर जटिल लवण। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, सामान्य लवण को कैसे पहचानेंगे, एच प्लस के अतिरिक्त धनायन, ओ एच माइनस के अतिरिक्त ऋणायन। अम्लीय लवण एच प्लस आयन मौजूद होगा, क्षारीय लवण ओ एच माइनस आयन मौजूद होगा। ठीक है, मिश्रित को कैसे पहचाने, दो भिन्न भिन्न धनायन मिले या दो भिन्न भिन्न ऋणायन मिले, मिश्रित होगा। द्विक, दो सामान्य लवण होगा तो द्विक होगा, और संकर, ये डिब्बा मिल जाए तो संकर होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। इतने एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कौन कैसा लवण है, एन ए सी एल की बात करते हैं, तो इसे जब हम मतलब तोड़ेंगे तो ये एन ए प्लस और सी एल माइनस, तो यहाँ पर ना तो एच प्लस है और ना ही ओ एच माइनस, तो ये कैसा लवण होगा, साधारण। अब इसे जब तोड़ेंगे तो एन ए प्लस, एस ओ फोर डबल माइनस और ये एच प्लस, तो एच प्लस मिल गया तो कैसा लवण है, अम्लीय। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। इसे तोड़ेंगे तो सी एल माइनस और एन एच फोर प्लस, तो सी एल माइनस मतलब कि एच ओ एच माइनस नहीं है, एन एच फोर प्लस मतलब कि एच प्लस नहीं है, NH4+ H नहीं, तो H+ नहीं तो सिंपल लवण हो जाएगा। NaTSO4, तो Na+ और SO4 डबल माइनस, यहां पर H+ और OH- नहीं है तो साधारण लवण हो जाएगा, सिंपल लवण हो जाएगा या फिर सामान्य लवण हो जाएगा। यहां पर H है तो ये जाहिर सी बात है Na+ SO4 डबल, यहां PO है, ये PO4 डबल माइनस ट्रिपल माइनस और उसके बाद H+ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अम्लीय लवण है, H+ मिल गया। यहां KH SO4 K+ SO4 डबल माइनस H+ आया तो फिर से अम्लीय लवण हो जाएगा। इसको जरा देखो, Ca पर डबल प्लस आएगा तो Cl पर माइनस होगा। अब इस पर कौन सा चार्ज होगा, आप घबरा रहे हो भैया हमको पता ही नहीं है। तो देखो, Ca पर डबल प्लस था तो इस पर एक ही माइनस है ना, तो भाई पूरा प्लस को प्लस के बराबर माइनस होना चाहिए, तो इस पर क्या हो जाएगा, एक को माइनस आएगा। तो देखिए, सी ए प्लस और दो ठो माइनस, एक को सी एल माइनस एक को ओ सी एल माइनस, तो दो भिन्न भिन्न ऋणायन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित लवण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ ई एस ओ फोर इंटू एन एच एस ओ फोर का होल, एन एच एस ओ फोर इंटू आपका है यहाँ पर 6H2O, तो देखिए ये आपका, ये भी सामान्य लवण, ये भी सामान्य लवण, तो द्विक लवण हो जाएगा। ऐसे K2SO4 इंटू L2SO4 इंटू 24H2O, तो ये भी द्विक लवण, क्योंकि दो लवण है और यहाँ डिब्बा दिख गया, इसलिए ये कैसा है, संकर या जटिल लवण। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।